क्या होता है जब देवगुरु बृहस्पति अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण फल आपको देने लगेंगे, और ये महत्वपूर्ण फल आपको जो प्राप्त होगा 22 जून से लेकर के और दिनांक 23 जुलाई तक, इस टाइम पीरियड में गुरु करेंगे आपका बेड़ा पार, क्योंकि होने जा रहा है ये काम, बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट इसलिए भी देंगे क्योंकि इनकी जो चाल है उसमें युवा अवस्था का प्रभाव आने लगेगा, और युवा अवस्था से आप समझ ही सकते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना शुभ फल और अपना अशुभ फल सबसे अधिक तब देता है जब वो अपनी प्योर एज में हो या अपनी पीक एज में हो, जैसे उसकी युवा अवस्था। अब यहाँ पर ये युवा अवस्था में तो आ जाएंगे 22 जून को। अब डिपेंड करता है कि ग्रह का नेचर कैसा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का नेचर शुभ है, और तो इनमें शुभता वाले जो गुण हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यह युवावस्था में रहते हुए आपको और ज़्यादा प्रभावी रूप से फल देने में सक्षम हो पाएंगे, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बड़ी निर्णायक साबित हो सकती है, अगर आप इसको प्रॉपर सुने, प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो। अब कैसे वो मैं आपको बताऊँगा। टाइम ज़्यादा नहीं है, लगभग एक महीने का समय है, और इस एक महीने में अगर आपने मेहनत कर ली तो मेरा विश्वास है कि आपको बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट मिल सकते हैं। अब कैसे, शुरुआत में सबसे पहले मैं मेष राशि से शुरुआत करूं, उससे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे YouTube, Facebook और Instagram से जुड़े रहने के लिए आपको सादर धन्यवाद देता हूं। हमारा नया Facebook पेज है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। हमारा दूसरा Facebook पेज है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत। आप इन दोनों ही पेज से जुड़ सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर मैं मेष राशि से चर्चा को प्रारंभ करूंगा। आप जानते हैं कि मेष राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल ग्रह, और सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये है कि मंगल अभी 12 जुलाई तक खुद अपने ही घर में विराजमान है रोचक राजयोग बना के। अब 22 तारीख को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री को पार करेंगे या 12 डिग्री में प्रवेश करेंगे तो इनकी युवावस्था मानी जाएगी, और 18 डिग्री तक ये युवावस्था में रहेंगे। अब यहां पर ये आपको सबसे अधिक धन का लाभ इस टाइम पर दे सकते हैं जो डेट मैंने मेंशन करी है। इस टाइम पीरियड में ही ये आपको सबसे अधिक परेशान भी करेंगे तो शत्रु वगैरह के दृष्टिकोण से कर सकते हैं, और साथ में आपको परेशान कर सकते हैं कैरियर में। पर अभी इनके ड्रॉबैक को ना देखा जाए तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपको फाइनेंशियली और पारिवारिक दृष्टिकोण से देंगे, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। कोई पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं नहीं निकल पा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी ग्रह स्थिति है वो मुझे बड़ी अनुकूल दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस एक महीने में धन की आवक बिल्कुल आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, गुरु आपका भी करेंगे बेड़ा पार, जी हाँ, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के अंदर बैठे हैं दिशावली होकर के, और गुरु की दृष्टि आपकी एजुकेशन के घर पर है, और साथ में गुरु की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में है, और साथ में इनकी एक नीच दृष्टि आपके भाग्य के भी घर में है। इसका मतलब ये भाग्य के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, पर ये एक महीने जो युवावस्था में रहेंगे इसमें दाम्पत्य जीवन में सुधार काफ़ी ज़्यादा लेकर के आएंगे, और साथ में आपको एजुकेशन में विशेष रूप से लाभ प्रदान होगा, आपको उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। और तो और देखिए, दिनांक 12 जुलाई से गुरु और मंगल की युति भी बनेगी, और मंगल भी खुद आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। इसका मतलब ये योग जो यहाँ पर बन रहा है बड़ा सुंदर बन रहा है, और 23 जुलाई तक आपकी जो ग्रह स्थिति है वो मुझे बहुत बेहतरीन बढ़िया दिखाई पड़ रही है। इसीलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आपको इस एक महीने का एडवांटेज लेना चाहिए, जितना हो सके संभव प्रयास करके आपको अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा आपकी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा मिथुन। मिथुन के लिए देवगुरु बृहस्पति खर्च के घर में युवावस्था में आएंगे, इसका मतलब ये खर्चे भी बढ़ाएंगे, पर अच्छी बात यह है कि ये धार्मिक प्रयोजनों के ऊपर आपके खर्चे कराएंगे। एक प्लस पॉइंट यहाँ पर और बन रहा है, इस एक महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके सुख साधन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के घर को देखेंगे, तो इस घर की मूल्य वृद्धि करेंगे,
यानी कि सुख सुविधाओं में आपके इजाफा हो सकता है। भाग्य आपका चलेगा, मेहनत आपकी चलेगी, बट आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा ये शत्रुओं का दमन करेंगे, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का जो आशीर्वाद है वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि बात करी जाए कर्क राशि के विषय में, तो ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके स्वामी चंद्र होते हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। बट आपके लिए युवा अवस्था का गुरु दो चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक, ये प्रॉफिट के दृष्टिकोण से देगा, लाभ अच्छा देगा, विदेशों से लाभ देगा, बड़े भाई बहनों से लाभ देगा, आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्त होंगी, आपका नेम फेम बढ़ाएगा देवगुरु बृहस्पति। युवा अवस्था में रहते हुए आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। और जी हाँ, आपके सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं एजुकेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नीति शास्त्र विद्वानता में, कार्यशैली में। और सुनिए, 12 जुलाई से लेकर के और 23 जुलाई के बीच में तो सबसे उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी ग्रह स्थिति है क्योंकि वृश्चिक राशि पर जो इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि आपके लिए बहुत आनंददायक है, बहुत लाभदायक है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में जो कि कर्क रहेगी। आपका जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि सिंह वालों, आपके राशि के स्वामी तो बनते हैं सूर्य ग्रह, और वो मित्र भी हैं गुरु के, और गुरु महाराज गोचरीय स्थिति के अनुसार आपके कर्म भाव पर रहेंगे, और वो आपके पैसे को देखेंगे, और वो आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद को देखेंगे। इसका मतलब आपके कैरियर के लिए, आपके प्रमोशन ट्रांसफर के लिए, आपके उन्नति के लिए देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ में धन धान्य के लिए भी बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी। ये एक महीने गुरु युवा अवस्था में रहेंगे, बहुत सुंदर लाभ आपको प्रदान करेंगे, आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, सुख सुविधाओं में भी आपके इजाफा होगा, धन धान्य की आवक आपके जीवन में होगी, यानी कि आपके लिए जो आपकी ग्रह स्थिति है वो बहुत अनुकूल बनती हुई नजर आ रही है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट नंबर पर, और वो रहेगी कन्या राशि। देखिए, आपका जो ग्रह गोचर है ना कन्या वालों, उसमें आपका भाग्य बलवान होगा। एक महीने बहुत अच्छा भाग्य रहेगा, चमकेगा, आपको जॉब मिल सकती है, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपकी योजनाओं का एग्जीक्यूट होना सही तरीके से होगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, और आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त होगा। आपको अगर आप सिंगिंग के अंदर हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी रूप में, अगर आपका टूल सेल ट्रैवल का काम है, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोई धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं, आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनसे लाभ प्राप्त होगा। आपका साहस पराक्रम भी बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। इस पूरे एक महीने देव गुरु बृहस्पति युवा अवस्था में रहते हुए आपको सुंदर फल प्रदान करेंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। तो अभी हमने आपसे बात करी 6 राशियों के विषय में, अभी पार्ट 2 में हम बाकी की नेक्स्ट 6 राशियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।